औद्योगिक नगरी पीथमपुर नगर पालिका परिषद में राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। जानकारी देते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉक्टर मधु सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया और सुरक्षा को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। नगर पालिका कार्यालय प्रांगण में आज स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों को आपातकाल के दौरान आग लगने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे आग पर काबू पाने के प्रयास किए जाने चाहिए, उसकी विस्तृत जानकारी उपस्थित कर्मचारियों को दी। वहीं एसएस मेढ़ा ने अग्निशमन वाहन पर लगे सभी उपकरणों की सविस्तर जानकारी दी। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। कितनी दूर तक जा सकती है ये? आपने देखा होगा कम से कम 60 मीटर का है। 60 मीटर तो असर मतलब मार कर यहाँ से करो ना, इसका छेट रहता इसका बताए हैंड कंट्रोल पर आंक होते मेरे। और ये क्या है, एक साथ तीन काम करता है इसको। पहली बात तो अपन ड्राइवर को बताए कूलिंग करो तो नहीं, बंद चालू करो तो कुछ नहीं, अपने हाथ में अपन उसको बंद चालू कर सकते हैंड कंट्रोल है ना। और जैसा सीधा जेड जैसे इसको आगे निकला जैसे सीधा जेड भी जाएगा, और अपने जैसे ज़्यादा फायर हो अपने तकलीफ है तो इससे वो अपना बचाव भी कर सकते हैं। जैसे घंटा को देखा होगा आपने, जिससे अपन खुद का बचाव कर सकते हैं और सामने वाले को भी अपन अटैक कर सकते हैं। शासन द्वारा 7 5 7 7 3 7 2। ये तो धारजी लेकर हिसाब से होगा ना सर, सबका अलग अलग है। हमारा सरकारी नंबर है, अपने विभाग के द्वारा दी गई सरकारी सीमा है, कभी व्यस्त नहीं, कभी बंद नहीं, कभी कुछ नहीं है, सीधा नंबर लगेगा। ये पीथमपुर क्षेत्र के हिसाब से लगा दो आप। लैंडलाइन 0 72 96 25 66 25 39। सर टंकी का बता रहे सर, टंकी का गैस क्वेश्चन करें चले जी। बताएं मैडम, आज जो आयोजन हुआ अग्नि सुरक्षा सप्ताह का, क्या रहा और क्या निर्देश दिए गए? आज राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत फायर पुलिस विभाग द्वारा डेमो दिया गया कि किस तरह से आग लगने पे सुरक्षा की जा सकती है और किस तरह से आग बुझाई जा सकती है। तो नगर पालिका के समस्त स्टाफ ने ये प्रशिक्षण ग्रहण किया और बेसिक जानकारी प्राप्त की। जी बताएं सर, आज जो सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आपने डेमो दिया है नगर पालिका कर्मचारियों को, क्या और कैसे आपने समझाया? ये सर क्या अपना वो नेशनल फायर वीक 7 दिन के लिए मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा उनके निर्देश पालन में। 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हम ये मनाते फायर संबंध में जानकारी, ये आग से कैसा बचाव किया जा सकता है इस संबंध में जानकारी दी जाती है। जगह जगह हम लोग आज नगर पालिका में इस संबंध में जानकारी दी गई कि कोई भी घटना होती तो तत्काल पुलिस फायर ब्रिगेड से संपर्क करें और संबंधित थाना से जानकारी लेकर सीधे डायरेक्ट संपर्क करें ताकि कोई भी घटना होने पर तत्काल काबू किया जा सके, इस संबंध में जानकारी दी गई। फायर स्टेशन का कोई नंबर ऐसा जिससे लोग संपर्क करें? 25 66 39 पे डायरेक्ट संपर्क करने की सबको जानकारी दी गई। आपका नाम? एसएस मेहला। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।